जी गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार आदाब। मैं सबसे पहले आई वुड से कि जो अतुल सर ने अभी बोला, आई एम टोटली टेकन बैक। ऑब्वियसली आई हैव एंटर्ड द प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट में आया भी इसीलिए हूँ क्योंकि जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनकी कमिटमेंट देखी, उनकी जो डेडिकेशन है इस सब्जेक्ट को लेके एंड जो रिसर्च वर्क है उसको देख कर मैं आई साइंड इट ऑन एंड इंस्टेंटली आई सेड सर आई'ड लव टू डू इट। मेरे कैरेक्टर का नाम है रसूल गुलाम, बट मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा अभी, वो आपको देखना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली ये एक बहुत एज इट सेज ऑल्सो एनिग्मा ऑफ पैराडाइज, तो ये कश्मीर के बारे में है, कश्मीर की पूरी एक जर्नी है एंड उसके अंदर एक ऐसा कैटलिस्ट है, एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी लव स्टोरी है जो मेरी और आकांक्षा की है, मतलब रसूल और परमेश्वरी की है। और उससे काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कश्मीर के अंदर हुई थी, उस बारे में भी है एंड दैट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू टेक इट ऑन। एंड ऑब्वियसली आई वुड डेफिनेटली से थैंक्स अ लॉट टू ऑल माई प्रोड्यूसर्स। आई थिंक सर थैंक यू सो मच बिकॉज ये एक बहुत ही बहुत बढ़िया काम है, बहुत ही दिस इज अ वेरी डीप सब्जेक्ट जो आज तक किसी ने कश्मीर को टच नहीं किया है उस एंगल से, एंड इतना सपोर्ट देना ऐसे सब्जेक्ट को इज वेरी 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 कमेंडेबल, सो थैंक यू सो मच। किरदार को लेके तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज जैसे मेरी जर्नी रही है, अभी मैं वेब सीरीज कर रही हूँ और नेटफ्लिक्स के लिए कर रही हूँ, अमेजोन प्राइम के लिए कर रही हूँ, जियो के लिए कर रही हूँ रणदीप हुड्डा के साथ, तो मेरी जितने सब किरदार हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और एक हमेशा एक्टर की भूख रह जाती है कि मुझे ऐसा कुछ करना है, तो मुझे ऐसा कुछ डेफिनेटली करना था। कश्मीर में मैं शूट के लिए आई हूँ अपने सॉन्ग्स के लिए, घूमने के लिए, बट कश्मीर के दिल को छू जाए ऐसी कोई स्क्रिप्ट मैंने नहीं करी कभी, और ये किरदार इतना बड़ा है, इतना कुछ है इसमें करने के लिए, मैं आई फील वेरी लकी कि मैं बहुत एंड में आई हूँ इस प्रोजेक्ट में। बहुत लोगों को टेस्ट करने के बाद फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि मैं ये रोल करूँगी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं सिलेक्ट हुई इसके लिए, बिकॉज उनसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। और बहुत रिसर्च की गई है इस रोल के लिए, सीरीज़ के ऊपर, और काफ़ी लंबी जर्नी है, तो मेरी ग्रोथ एज एन आर्टिस्ट एज अ कैरेक्टर बहुत कुछ फ्लेवर्स हैं, लव स्टोरी भी है, ड्रामा है, बहुत इमोशंस हैं एक अलग अलग इस कैरेक्टर के, काफ़ी कुछ है प्ले करने के लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ। समझाने कुछ नहीं रखा सर, क्या है हिमांशु जी कि वो लोग दे आर वेरी प्रोफेशनल, और ये जो कल शूट किया, आज शूट किया, मैं तो बहुत मतलब अचंभित भी हुआ कि कश्मीरियत लैंग्वेज और कश्मीरियत जो टोन था वो उन्होंने पकड़ लिया जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, तो दे आर थोड़ा प्रोफेशनल। ये ज़रूरी था जी इस तरीके का काम करने के लिए जी, और कश्मीर पर काम करना है, और 10 एपिसोड हैं 45 मिनट के, 4 सीजन का प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस तरीके की व्यवस्था तो लेके चलनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने कहा कि हम अनफॉर्चुनेटली किरदार के बारे में तो कुछ नहीं बता सकते, पर यह है कि कश्मीरी कैरेक्टर है और बहुत ही इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर, बहुत इम्पैक्टफुल है, और नाम है जीनत, तो इतना मैं बता सकती हूँ। और मैं आपको पसंद आया? बहुत बहुत, और अच्छा खासा रोल है, तो इसीलिए क्योंकि मैं खुद माय रूट्स आर फ्रॉम कश्मीर, माय मदर साइड, तो इसीलिए एक बहुत डीप कनेक्शन है कश्मीर के साथ। और जब मुझे अतुल सर ने इस ऐसे किरदार के लिए मुझे ब्लॉक किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आई वाज रियली रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो मैं अतुल अग्रवाल जी से तो बहुत पहले मिली थी और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उस समय उनसे मिली थी जब शायद उन्होंने अपने इस कश्मीर के प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च शुरू किया था, उस समय तो मुझे नहीं पता था कि मैं उसका हिस्सा बनने वाली हूँ, और बस इत्तेफाक से मैं उस कैरेक्टर में फिट आ गई हूँ, तो अभी मेरा पहला दिन है कश्मीर में। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं कश्मीर आऊँ, यहाँ शूट करूँ, और आई एम सो हैप्पी, रियली मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ही शॉर्ट नरेशन थे, बस ये शॉर्ट नरेशन में क्या हो गया कि मुझे लगा ये बहुत ही अलग कैरेक्टर हैं, और ये स्टोरी जो है बहुत ही, मेरे लिए एटलीस्ट बहुत ही नया स्टोरी था, तो इसीलिए वो शॉर्ट नरेशन में जो 5-10 मिनट में था मैंने हाँ बोला सर।
देखिए मुझे लगता है इस पूरी वेब सीरीज में मेन उन्हीं से शुरू होता है हर एक चीज, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का इतिहास ही उन्हीं से शुरू होता है, और विलय से लेकर हर एक चीज तक, जब जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान में हुआ उस समय अधूरा विलय हुआ था, तो वो किस तरह से किया गया और क्या उन पर मुसीबतें आई, किस तरह के प्रॉब्लम्स रही, उस समय की सियासत कैसे रही, पाकिस्तान क्या षड्यंत्र करता था, तो यहाँ से क्या प्रॉब्लम आती थी और किस तरह से वो सब चीज़ें करते थे बेचारे, और कितनी मुश्किल से उनका ये दौर गुजरा, वो चीज़ बताना बड़ा ज़रूरी है लोगों के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया जाननी चाहती है कश्मीर के बारे में, और ये गर्ग साहब ने एक बड़ा डेयरिंग काम किया है कि वो ये चीज़ लाकर लोगों के आगे दिखा रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है जब ये सीरीज़ बन जाएगी तो पूरी दुनिया की जो कश्मीर के बारे में एक नोशन है वो बिल्कुल बदल जाएगी, ये मैं आपको बताता हूँ।